उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में सोमवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक अभियान का शुभारंभ बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम, जिला अधिकारी बलरामपुर पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी बलरामपुर संजीव कुमार मौर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में फीता काट कर शुभारंभ किया। तत्पश्चात प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और तत्पश्चात शपथ दिलाई। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी ने कहा, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 31 जुलाई 2024 तक चलेगा तथा दस्तक अभियान 11 से 31 जुलाई तक चलेगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना तथा संचारी रोगों के प्रसार को प्रत्येक दशा में रोकना है। इस रोकथाम के लिए एवं आम जन सुविधाजनक रहते हुए कई विभाग को लगाया गया है जो अपने अपने स्तर से काम करेंगे। कितने समय से सेवा कर रहे हैं? कई साल, हमारी 24 साल की नौकरी हो चुकी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।